हेलो गाइस वेलकम बैक पांडे आप देख रहे हो और आज हम बात करने वाले हैं टेंथ क्लास बायोलॉजी के 25 बेस्ट क्वेश्चंस की तो यहां पर ये जो मैं 25 क्वेश्चन जो बता रहा हूं अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे ऐसा में जब भी मैंने ये चीज बताई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे इसका मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन तो आपको मिनिमम टू मिनिमम आने ही चाहिए ठीक है तो भाई साहब कौन से ऐसे सवाल हैं जो कोई भी टीचर जो है डिनाई नहीं कर सकता कि भाई ये आपको नहीं पढ़ना है ठीक है और एक बात कि इस बार जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड और जो नया अब तरीका एड हो रहा है उसकी वजह से सवाल जो है ना वो घुमा के आते हैं पर जो कोर वैल्यू होती है ना क्वेश्चन की जो आपको पता होनी चाहिए वो कोर इन्फॉर्मेटिव वाला पार्ट वो मैं यहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं लेकिन वही चीज जब थोड़ा थोड़ा उसको टर्न करके आएगी तो यू शुड नो कि भाई हाउ टू आंसर इट ठीक है उसके लिए आपको लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं ओके okay, सो so आइए शुरू करते हैं आज की बात और ये दो हजार तेईस यानी तेईस के एग्जाम्स के हिसाब से जब हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो आपके सामने ये कुछ सवाल है जो मैं एक मिनट तो इसमें सबसे पहले है आपका डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन पता है क्या होता है कितनों को पता है भाई डबल सर्कुलेशन हमारे हार्ट का फंक्शनिंग जो है है ना दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन क्योंकि एक बार लंग्स के तरफ ब्लड को घुमाता है एक बार पूरी बॉडी की तरफ ठीक है तो वो पूरा प्रोसेस इनफैक्ट पूरा वर्किंग ऑफ हार्ट जो है आपको यहां पर आना चाहिए <coughs> अगला है एलेबरेट द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स प्लांट्स में जो मेन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर सिंग और ट्रिपल फ्यूजन दो चीज़ें होती है ठीक है अच्छा मैं जब क्वेश्चन बता रहा हूं तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं ज्यादा आंसर के अंदर डीप नहीं जाऊंगा ठीक है आ, लेकिन मुझे पता है कि यहां पर कई बच्चे ऐसे होंगे इससे बोले सर आप आंसर ही बता दें साथ में पॉइंट ये है कि थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ा आपको फाइंड करना है क्वेश्चन का आंसर और पेंसिल से आप उसको टेक्स्ट बुक में लिखते जा सकते हो ठीक है तो ये चीज़ थोड़ा सा खुद से खुद से करो सेल्फ एफर्ट की जरूरत है इसके अंदर भी ओके नेक्स्ट इज वॉट इज इम्प्लांटेशन ऑल्सो राइट द मेन रोल ऑफ प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन इज बेसिकली अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा और प्लेसेंटा का फंक्शन तो भाई बहुत ही सिंपल है पता है ना वो फूड और नरिशमेंट देता है बेबी को फिटनेस को और वेस्ट कलेक्ट करता है गिव द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल का भाई दे प्रोवाइड सेक्रीशन जो कि स्पर्म के मोबिलिटी के लिए सही है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को गिव एनी फोर एडवांटेजेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मैं सवाल बोल रहा हूँ ना तो आपको सेम क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आ सकता है या फिर फोर डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल या ए आ सकता है तो आपको इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं इसमें भी डिफरेंस uh, बिटवीन आपका जो रीजनरेशन फ्रैगमेंटेशन एडवांटेज ऑफ फ्रैगमेंटेशन है ना वो सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए वेजिटेटिव प्रपोगेशन का चार एडवांटेज पूछता है ठीक है तो आपको ना ये जो ये चैप्टर में ना आप डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें पढ़ते हो पर वो एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पढ़ते हो जिसका आपको डिसएडवांटेज हो जाता है तो आपको वो चीज़ करनी है ठीक है नेम एंड एक्सप्लेन फोर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व इन दी ह्यूमन रिप्रोडक्शन दिस इज अ फेवरेट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई का होता है ठीक है जब भी हम रिप्रोडक्टिव uh, हेल्थ uh, की बात करते हैं उस पार्ट में से ठीक है अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है और फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मैं वाला क्वेश्चन दिया है मैंने ठीक है अगेन दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया देखो वट इज मैं हाउ इज इट कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ ओवलेशन

फूड इन प्लांट्स तो बेसिकली ऐसे करके सवाल घुमाया जा सकता है इसी चीज को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपके एनसीआरटी में लाइन टू लाइन दिया हुआ ये <coughs> कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है गिव टू पॉइंट या गिवट ऑफ सिमिलैरिटी एंड वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन ठीक है क्या सिमिलैरिटी कि भाई दोनों में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है ना और डिफरेंस uh, क्या है इनके बीच में तो भाई एक्जैक्टली exactly एक में एक में एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व है जहां पर एनर्जी या एटीपी खर्च होता है एक में नहीं होता है कह सकते हो आप ठीक है स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट ये ना स्टेटमेंट जो है ना तीनों पढ़ना मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस और मेंडल्स लॉ ऑफ क्या है वो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट डोमिनेंस और एक और है ना अरे सेग्रीगेशन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ठीक है डिफाइन अलील जीनोटाइप फिनोटाइप तो यहां पर जितने भी टर्म है इस चैप्टर के अंदर तो बेसिकली वो आपको एक एक लाइन में तो पता होने चाहिए इसके बाद है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस वो एक्स वाई वाला जो सिस्टम है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है वेरी इजी ये आपको एक्सप्लेन करने को आना चाहिए और देखो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना तो आपको डायग्राम भी बना देना चाहिए वो जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में थोड़ा सिंपल सा ही मदर एक्स 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 फादर वाई ठीक है उसका फ्लो जो है पेंसिल से तो वो आपको बना देना चाहिए एक्सप्लेन नेक्स्ट इज वाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर इज एक्सपेरिमेंट गिव एनी फोर रीजन मेजर रीजन तो यहां पर मेंडल साहब ने वो मतलब क्यों गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया क्यों पाइसम सटाइवम को सिलेक्ट किया और एक और चीज द फोर सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो भी आपको जो है सात पेयर कौन से कौन से पढ़ लेने चाहिए एक बार ठीक है इसके बाद है राइट दी जीनो टाइप ऑफ फादर मदर एंड सन बेसिकली डायग्राम के हिसाब से ये ब्लड ग्रुप क्वेश्चन जो है ये आप एक बार जरूर देखना मैंने इसको यूट्यूब पे सॉल्व करा कराओ या ये चीज मैंने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं तो आप ब्लड ग्रुप क्वेश्चन एड यू हैव आप डाल सकते हो वहां पर आपको मिल जाएंगे ठीक है राइट द जीनो टाइप्स ऑफ फादर मदर एंड सन द टाइप ऑफ डोमिनेंस ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप इन इनहेरिटेंस इज नोन एज वट तो बेसिकली ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी फादर और मदर का बच्चे का ओ तो उसके पीछे का लॉजिक आपको यहाँ पर समझना है और इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं ऐसे वाले के ऊपर तो जरूर आप चेक करना है आपको अगला है एटीन क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नैस्टिक मूवमेंट्स है ना प्लांट uh, में जो मूवमेंट इन प्लांट जो है उसमें ट्रॉपिक डिफरेंट ट्रॉपिजम्स है जियोट्रॉपिजम फोटोट्रॉपिजम हाइड्रोट्रॉपिज्म केमोट्रॉपिज्म थिगमोट्रोपिज्म ठीक है तो ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है ठीक है और वॉट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एक्शंस इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस तो ये आपको रिफ्लेक्स एक्शन इनसे अलग कैसे वो आपको बताना है अगला है गिव टू फंक्शन सेरिब्रम भी हो सकता है कभी कभी बोलेगा four brain. Four brain के अंदर मेजरली सेरिब्रम ही है तो वही फंक्शन आपको लिखना है उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन पूछा है मेड्यूला का पूछा है सेरिबेलम uh, का पूछा है पॉन्स का जो फंक्शन है वो आपको एक एक पॉइंट मैंने बताया वो आप चेक कर सकते हो ठीक है वॉट इज गोइटर हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड गोइटर क्या है और भाई ये कौन से हॉर्मोन से जुड़ा हुआ है कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है वो सब चीजें आपको यहां पर बतानी है आयोडिन कंज्यूम करके आयोडिन क्या बेसिकली करता है ठीक है अगला है गिव एनी वन फंक्शन देखो फंक्शंस लिख दिया है ईच ऑफ ऑक्सिन साइटोकिन ऑक्सीटोसिन एपसाइसिक एसिड एंड्रिल तो ये आपको जितने भी फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट हॉर्मोन्स दिए हैं इनके एक एक फंक्शन एटलीस्ट पता होने चाहिए कि भाई क्या करते हैं ये डिफाइन फर्टिलाइजेशन वट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स फर्टिलाइजेशन क्या है और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन कहां होता है ह्यूमन फीमेल में एग्जैक्टली exactly कौन से लोकेशन में वो आपको बताना है उसके बाद गिव एनी वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन ओवर दिस हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कंपेयर टू हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, अगला है एक्सप्लेन केमोट्रॉपिज्म एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो क्वेश्चन जब दिए हैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन तो इसमें ये ध्यान रखा है कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे अब यहाँ बोला एक्सप्लेन केमोट्रोपिजम गिव एन एग्जाम्पल तो आप सिर्फ केमोट्रॉपिज्म नहीं पढ़ोगे तो वहां पर बाकी को भी एक बार रिव्यू कर लोगे ठीक है क्योंकि ये पढ़ोगे तो भाई अपने आप बाकी लॉजिक भी क्लियर हो जाएगी तो इस तरीके से जब आप ये पढ़ रहे होते हो ना तो आप लगभग लगभग जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मतलब बोलते ना कि वो एटी ट्वेंटी रूल जो जिसको हम बोलते हैं कि आपकी जो आपका जो एग्जाम में जो चीज आती है ना वो आपका बीस परसेंट से तो वैसे तो वो और भी कम हो सकता है लेकिन आपका पूरा पढ़ावा नहीं है, मतलब सब नहीं आ जाता तो वो कौन सी चीज के ऊपर ज्यादा एफर्ट मानना है वो कौन सा वो बीस परसेंट वाला हिस्सा है जिसपे ज्यादा एफर्ट मानना है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ठीक है तो आप ऐसा नहीं कि इन्हीं सवालों को पढ़ के और बस तैयार हो गए बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसा नहीं करना है ठीक है अगेन इफ यू वांट दिस फॉर केमिस्ट्री फिजिक्स तो वो भी हम कर देंगे ठीक है और सिलेबस के लिए आपने बोला था तो वो भी मोस्ट uh, प्राइबली हम आज या कल में आपको मिल जाएगा uh, जैसे हमने साइंस का दिया था सोशल मैथ्स का भी ट्राई करा ठीक है थैंक यू फॉर यू अगेन नेक्स्ट टाइम टिल देन बाय जो भी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट करके बताओ बाय गाइस